डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों, सुबह की नमस्ते। आज हमारा क्लास फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, टॉपिक हमारा है सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो प्रिय बच्चों, इसको बड़े ध्यान से देखना है। हिंदी में भी बार बार करते हैं भाई, वाक्य शब्दों का वह शुरू होता है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है, जिसका अर्थ पूर्ण होता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। तो प्रिय बच्चों, इसको देखना है ध्यान से। सबसे पहले मैं सेंटेंस को डिफाइन करूंगा, इसकी डेफिनेशन देखना आपने। द सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्दों का एक समूह होता है जो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, जिसका अर्थ पूर्ण होता है। जैसे सच है, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। और देख लीजिए, जैसे मोहन रीड्स ए बुक, मोहन एक पुस्तक पढ़ता है। ही इज Going to school, वह विद्यालय जा रहा है। The gardener is watering in the plants. माली पौधों में पानी दे रहा है। ये हमारे वाक्य हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसके अंदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। इस सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वाक्य को दो भागों में बांटा जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स। ध्यान देना है प्रिय बच्चों, पूरा कंसंट्रेशन होकर आपने इसको समझना है। कोई ऐसी भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ी आसानी से कॉपी पेन निकालो और इसको साथ के साथ करो, और बड़े ध्यान से इसको करना आपने। नंबर वन सब्जेक्ट, इसको कहते हैं कर्ता। नंबर दो प्रेडिकेट होकर विधेय। प्रिय विद्यार्थी देखो, इसकी डेफिनेशन देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कहते किसे हैं? सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट क्या होता है वाक्य के अंदर? सब्जेक्ट वाक्य के अंदर काम का करने वाला होता है। ये कार्य भी जो वाक्य के अंदर कार्य करता है, या जिसके बारे में वाक्य में कहा जाता है, उसे कहते हैं सब्जेक्ट कर्ता। सब्जेक्ट जैसे मोहन रीड्स, मोहन एक पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक कौन पढ़े है? मोहन पढ़े है। तो मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था यहां पर, जैसे ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। विद्यालय में कौन जा रहा है? ही। ये सब्जेक्ट है। क्या ही सब्जेक्ट है? जैसे द गार्डनर इज वाटरिंग
the plants. The gardener is watering in the plants. माली पौधों में पानी दे रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पानी देने का कार्य कौन कर रहा है? गार्डनर कर रहा है पानी। तो ये भी क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट सच एज। ध्यान से देखिए, प्रेडिकेट विधि सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता के बारे में जो बातें वाक्य के अंदर कही जाती है, कर्ता के बारे में जो बातें वाक्य के लिए कही जाती है, कर्ता वाक्य के अंदर जो बातें करता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे दे आर गोइंग टू स्कूल, वे विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं। क्या हो रहा है? वे क्या करें? विद्यालय में जा रहे हैं। आर गोइंग टू स्कूल, ये हमारा प्रेडिकेट है। इसी प्रकार से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में कुछ सेंटेंस देख लीजिए। जैसे She is singing a song. वह एक गाना गा रही है। वह ठीक है, क्या गाना गा रही है? तो यहां पर हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का अलग करना है। प्रेडिकेट यहां पर सब्जेक्ट हो गया सी। वो काम कर रही है, क्या काम कर रही है? गाने का काम कर रही है। तो जो काम किया जा रहा है बाकी के अंदर क्या होगा? प्रेडिकेट इज सिंग ए सॉन्ग। जैसे नेक्स्ट है द गार्डनर पार्क द फ्लावर। माली फूल, माली ने फूल तोड़े, पास्ट टेंस में पलक, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहां पर क्या है? द गार्डनर, ये सब्जेक्ट हो गया। पलक द फ्लावर, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ये सब्जेक्ट और ये पलक द फ्लावर प्रेडिकेट। जैसे नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग इन इन द फुटबॉल। दे आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। वे खेल के मैदान में खेल रहे। दे आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, वे खेल के मैदान में खेल रहे। दे सब्जेक्ट हो गया। आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। द
जैसे नेक्स्ट है ही वेंट टू दिल्ली बाय द ट्रेन वे रेलगाड़ी के द्वारा दिल्ली गया। ही वेंट टू दिल्ली बाय द ट्रेन वे रेलगाड़ी के द्वारा दिल्ली गया। तो ही क्या है सब्जेक्ट में वेंट टू दिल्ली बाय द ट्रेन ये हमारा क्या हो गया प्रेडिकेट। इसी प्रकार से प्रिय बच्चों मैं आपसे आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।